लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी गुड्डू राजा के समर्थन में पहले बड़े कांग्रेस नेता का आगमन आज हुआ। जिले में भी दोनों लोकसभा सीटों के अंतर्गत पहली बार किसी बड़े नेता द्वारा आम सभा को संबोधित कर सभा आयोजित की गई। बताया गया कि कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू राजा के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व मंत्री कृणाल चौधरी शमशाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। वहीं कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनाव में की जान से मेहनत करने की बात कही। मीडिया से बात करते हुए कृणाल चौधरी ने कहा कि भाजपा और उनके समर्थक गठबंधन के दल संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता इस बार भाजपा को ही बदलने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र विश्वास का नाम है, जिस पर अधिकांश दलों को भरोसा नहीं है, तो उसे बदल देना चाहिए। वीवीपैट के साथ जो पर्ची निकलती है, उसकी पर्ची मतदाता को भी दी जानी चाहिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने सागर लोकसभा सीट के प्रत्याशी गुड्डू राजा के बारे में कहा कि एक बुंदेला अपने क्षेत्र में जनता की आवाज बनकर आया है। उनमें वह सब गुण हैं जो अच्छे नेता और एक व्यक्ति में होने चाहिए। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के सिंधु विक्रम सिंह भवरवना, जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी, पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर, वैभव भारद्वाज सहित अन्य नेता शामिल रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए कृणाल चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवक कांग्रेस, ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विदिशा से हमारी रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। आप चिंता करती है, गरीबों की चिंता करती है, एमएसपी की गारंटी भी पार्टी देती है, किसान जो फसलों की बीमा डालने जो कभी नहीं गए, आज के वोट डालने मांगने जाएंगे तो जनता इनको डंडे मार के भगाने का काम करेगी। शासन का काम क्या होता है? जब दुख की घड़ी हो आपके साथ खड़े हो, जब आपको परेशानी हो आपके साथ खड़े हो, जब आपके सुख दुख की बात हो तो आपके साथ खड़े होने का काम करो। भारतीय जनता पार्टी किसान का संविधान जिसके अंदर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की सोच दिखते थे, इस संविधान को बदल के इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों के जो मौलिक अधिकार है उसे खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करे, ये बात हम नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद जो पहले चुने हुए थे वो लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं। अभी एक बड़े नेता का इनका बयान आया कि देश में संविधान आरक्षण को खत्म करेंगे। देश के अंदर इनके पहले अनंत हेगड़े का बयान आया कि संविधान को बदलने का काम करेंगे। स्पष्ट है बीजेपी इस देश के संविधान को बदलना चाहती है। चिंता नहीं करें, इस देश की जनता इस बार बीजेपी को बदल देगी। इन्होंने संविधान पे बात करी है, संविधान के रक्षक इस देश के संविधान को बचा के रहेंगे। भारत में ईवीएम को लेकर आवाज उठ रही है, ईवीएम इनकी सेटिंग है, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से जीतती है, इसमें क्या कहना है? देखिए, देश में लोकतंत्र क्या है? भरोसे का नाम। जिस चीज़ पे भरोसा कम हो उसे बदल देना चाहिए, और सारे दलों को भरोसा कम है इसलिए इसको बदल देना चाहिए। नई पद्धति कांग्रेस ने कहा, जो ईवीएम से वीवीपैट की पर्ची निकलती है वो हाथ में मिले और एक अलग डब्बे में डले और उसका काउंटिंग बराबर हो। इसमें दिक्कत क्या है? अगर पारदर्शिता ज़्यादा होगी तो इस देश का लोकतंत्र ज़्यादा मजबूत होगा। सागर लोकसभा में आपको जन समर्थन बहुत तेजी से मिल रहा है, देखते बच्चा आपके साथ इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देख रहा हूँ मैं लगातार कि गुड्डू भैया में हर वो काबिलियत है जो एक अच्छे इंसान और एक अच्छे राजनेता में होना चाहिए। 10 साल से सांसदों की शकल यहाँ के लोगों ने नहीं देखी है कि सांसद होता क्या है। कोरोना महामारी में यहाँ के सांसद गायब, सुख दुख में यहाँ के सांसद गायब, तो इसके खिलाफ जनता में रोष है। जनता मान चुकी है, मंच बना चुकी है कि बुंदेलों की धरती से एक बुंदेला सांसद के रूप में बनेगा और उनकी लड़ाई को लड़ने का काम पूरी ताकत के साथ, किसान के फसलों के दाम का, नौजवान के रोजगार का, हर वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम गुड्डू राजा करेंगे। इसलिए पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पे लाखों वोटों से कांग्रेस जीतेगी। युवराज सिंह चौहान ने खुले मन से 2700 का वादा किया था, आज जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2700 को वादा क्यों पूरा नहीं किया? शिवराज जी तो इतने कह के गए थे कि 3000 से शुरू करके बेटियों को 10000 तक दूंगा, 2700 रुपये कुंटल दूंगा, यहाँ पे धान 3100 रुपये कुंटल दूंगा, गैस की टंकी 4.5, आज मुंह में दही जम गया है। अब उनसे पूछो तो इधर उधर की बात करते हैं, जनता इसका जवाब चुनाव में देगी।